ये चीप रिम मिले, चाइनीज रिम है, काफी बेकार है, कहीं 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 पे हमारे बैंड भी हो गया है। साउंड सुनाता हूँ। सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल इन अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा जो हमारी मार्लिन है जो कि 38,000 की थी, लेकिन एज यू नो आई एम एमटीवी डायरेक्शन एंड मैंने इसके सारे कंपोनेंट चेंज कर रखा है। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या मैंने इसमें अपग्रेड्स किए हैं। कुछ दिन पहले मैंने 1:11 किया था, लेकिन उसके बाद भी मैंने कुछ अच्छी खासी अपग्रेड्स किए। तो आज की वीडियो में वही है। अगर आपको वीडियो अच्छा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना। सो अभी जो बाइक है वो एकदम पीक परफॉर्मेंस देती है, एक्सेप्ट फ्रॉम द क्रैंक से जो कि स्क्वायर टेपर है एंड हॉलोटेक कन्वर्ट करती है, वो बाइक को थोड़ा लाइट वेट भी कर देगा। सो आज की वीडियो में वही है। आज मैं आपको बताऊंगा क्या क्या मैंने इसमें अपग्रेड्स किए, कितने पैसे लगे, एंड आपको पता तो नहीं पाऊंगा कहाँ कहाँ से मैंने पार्ट्स लिए, बट हाँ आप वीडियो एंजॉय करना। अगर आपको वीडियो चाहिए वीडियो को लाइक करना, लाइक एम इज ऑनली 200 लाइक्स, एज वेल एज सब्सक्राइब करना नहीं भूलना अगर आपको ऐसी और वीडियोस देखने। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो ये रही हमारी बाइक मार्लिन येटी, एंड जो इसका इनिशियल प्राइस था वो था 38,000, एंड अभी जो हमारी बाइक है मैं आपको राउंड फिगर बताता हूँ, दिस इज अराउंड 73-74K इंडियन रुपीज, विच इज ऑलमोस्ट ट्वाइस, लेस देन ट्वाइस, बट हाँ ऑलमोस्ट ट्वाइस हम लोग मान सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ वी हैव द फ्रेम, दिस इज द सेम मार्लिन येटी फ्रेम, एंड काफी अच्छा फ्रेम है, लाइट वेट तो नहीं है लेकिन हाँ काफी ड्यूरेबल फ्रेम मेरे को लगता है, तो मैं अभी तक इसे यूज करता हूँ, इन फ्यूचर में शायद इसे चेंज भी करूँ। आफ्टर दैट जो हमको अपनी बाइक में सबसे ज्यादा प्यारा लगता है वो है ये एनली का हब, एंड दिस इज अ सील्ड बेयरिंग हब, एंड इसका जो आवाज है दैट इज नेक्स्ट लेवल, एंड विच इज कम्बाइंड विथ दिस सनरेस 11 स्पीड कसेट 1152 रेशियो इसका, देन वी हैव शिमानो डियो डिरेलियर विच इज केपेबल अप टू 51 टीथ, एंड ये हमारा कैसेट 50 का है, तो स्टिल वी कैन अपग्रेड टू अ शिमानो कैसेट। देन हमारे फ्रंट में है ओवल चेन रिंग दैट इज फ्रॉम ब्लोक, एंड दिस इज अ 1/ क्रैंक स्क्वायर टेपर है, हॉलोटेक में करने का सोच रहा हूँ बट थोड़ा सा इशू आ रहा है। देन वी हैव दिस क्लिपलेस पेडल्स जो कि हमारे शूज के साथ कंबाइन हुआ है, दीज आर क्लीट्स क्लिपलेस पेडल्स, काफी ज्यादा स्टडी आ जाता है बाइक, एंड देन वी हैव अपग्रेडेड दिस सीट क्लैम्प एज वेल, छोटी छोटी चीजों को मैंने अपग्रेड कर रखा, दिस इज अ सीट क्लैम्प फ्रॉम प्रोमैक्स, इसमें पहले कोई और चाइनीज आता था आई थिंक सो। देन वी हैव दिस शिफ्टर 11 स्पीड शिमानो डियोर, एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू दिस स्टेम, जो स्टेम है ये काफी यूनिक स्टेम है, दिस इज अ नेगेटिव 35 डिग्री स्टेम, एंड दिस इज अ 70 mm स्टेम, तो छोटा स्टेम है, काफी अच्छा स्टेबिलिटी देता है बाइक में, एंड फॉर क्रॉस कंट्री रेसिंग क्लाइंबिंग में काफी ज्यादा मदद करता है हम लोग का नेगेटिव स्टेम। सो उसके बाद आप देख पा रहे हो कि हमारा रियर ब्रेक जो कि है शिमानो MT520 का लिवर है दिस ब्रेक, एंड दिस इज अ वेरी गुड ब्रेक, 4-piston ब्रेक का ये लिवर है, एंड इट इज कम्बाइंड विद द शिमानो M396 व्हाइट कैलिपर, काफी अच्छा पावर देता है, काफी स्मूथ देता है, एंड हमारा फ्रंट में जो स्टॉक आता है टेक्ट्रो का, बट हाँ इस टेक्ट्रो का पावर ज्यादा है बिकॉज इट इज कम्बाइंड विद द ब्रैको रोटर, एंड इट इज अ फ्लोटिंग डिस्क रोटर, काफी जल्दी ठंडा होता है एंड डाउनहिल पे काफी अच्छा परफॉर्म करता है, एंड अगेन हमारा फ्रंट में भी एनली का ही हब लगा है, अभी मैं आपको हब का भी साउंड सुनाऊंगा आप टेंशन नहीं लो। उसके बाद हम लोग बात करते हैं द मोस्ट सबसे एक्सपेंसिव अपग्रेड जो इस बाइक में मैंने किया था वो है ये सस्पेंशन, दिस इज अ एसआर संतूर XCR एयर फॉर्क, यहाँ पे इसका एयर चेम्बर है, मैं आपको दिखाता हूँ इसके नॉब को खोल के, यू कैन जस्ट चेक, यहाँ पे हम लोग को एयर चेम्बर देखने मिल जाता है, एंड हाँ मेरे को इसे जल्दी इसे बंद करना पड़ेगा बिकॉज अगर कोई भी इसे टच करता है देन बहुत बड़ा इशू क्रिएट होता है एयर फॉर के, इसलिए क्योंकि उसके बाद मेरे को फिर इसके प्रेशराइज पंप से हवा भरना पड़ता है, एंड मेरे पास उतना हाई पीएसए वाला पंप नहीं है। देन वी हैव दिस ग्रिप्स, सॉफ्ट सिलिकॉन ग्रिप्स, ऐसे सिलिकॉन सॉफ्ट सिलिकॉन ग्रिप्स का फायदा ये होता है कि जो छोटे छोटे वाइब्रेशन आते हैं बाइक में वो हाथ में नहीं आते, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। देन वी हैव दिस द लेजेंडरी स्पीडोमीटर, दिस अ वायरलेस स्पीडोमीटर फ्रॉम द कैथलॉन, अराउंड 1500 का आता है, एंड काफी अच्छा स्पीडोमीटर है, एंड काफी छोटा सा है, काफी पोर्टेबल भी है। देन जो हमारी बाइक को एक काफी यूनिक लुक देता है वो है इसके टैन वॉल टायर, दीज आर मैक्सिस रेकन रेस,
Wait, I can show you. These are Maxxis Recon Race. एंड ये जो टायर है इनके रोलिंग काफ़ी ज़्यादा सही है, बहुत ज़्यादा सही है इस टायर का रोलिंग, मैंने हाल ही फिलहाल में लगाया है। एंड जो टैन वॉल होने के कारण जो बाइक का लुक है वो काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगता है। देखिए जो मार्लिन का कलर है ना वो कैमरे पे पता नहीं क्यों अजीब सा लगता है, लाइक कैमरे पे सच्ची में जो मार्लिन का कलर मेरे को थोड़ा सा अजीब सा लगता है, फिर भी लाइक काफ़ी प्यारा बाइक है। कलर का मेरे को नहीं पता यार, पता नहीं फ़ोन में ऐसा क्यों आता है या फिर कैमरे में ऐसा क्यों रिकॉर्ड होता है, बट हाँ रियल लाइफ में काफ़ी प्यारा कलर है इस मार्लिन का। देन We have this rim, 32 hole rim है from Nautilus. This is from a cheap Indonesian brand. मेरे को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा था, मतलब मेरे को एक्चुअली क्या करना था, जो हमारा हब है वो 32 hole का है एंड जो रिम था मेरा वो 36 hole का था, तो जो पुराना हब था उसको मैंने जब चेंज किया तो मेरे को चाहिए था 32 hole का रिम एंड मेरे को कहीं नहीं मिल रहा था, तो मेरे को ये चीप रिम मिले, चाइनीज रिम है, काफ़ी बेकार है, कहीं कहीं पर हमारे बैंड भी हो गया है। सो ये रिम को मैंने लगाया एंड होपफुली मैं इसे जल्दी चेंज करूंगा क्योंकि मेरे को नहीं लगते टिकने वाले रिम है बिल्कुल भी। एंड यही है हमारी पूरी बाइक, काफ़ी अच्छी बाइक है एंड ऐसा कि मैंने आपको प्राइसिंग बता ही दिया, फॉर्क आप मान लो अराउंड 16,000 to 17,000 का ये एयर फॉर्क आता है एंड देन ऑल आफ्टर ऑल एंड ऑल अपग्रेड्स जो टायर्स है वो 3,000 के एक आते हैं, सो आफ्टर ऑल अपग्रेड 73 to 74 के हमारा प्राइस ऑलमोस्ट पहुंच चुका है। एंड यहाँ पे मैंने एक सीट भी चेंज कर रखा है लेकिन अभी जो मार्लिन का मैंने लगा रखा है क्योंकि मैंने एक रॉक राइडर का खरीद के रखा है, होपफुली मैं उसे जल्दी लगाऊंगा। एंड यहाँ पे छोटे छोटे टच मैंने दे रखा है जो कि है ये रेड कलर का स्पेस है, एक छोटे छोटे टच से काफी अच्छा लगता है, वाइब्रेंट लगता है भाई। मैं अभी आपको हब का साउंड सुनाता हूँ, वेट अ सेकेंड। तो आइए मैं अभी आपको हब का साउंड सुनाता हूँ। आई डोंट नो आपको अभी 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 साउंड कैसा आ रहा होगा लेकिन यार दिस इज रियली लाउड, तो कभी कभी लगता है कि लाइक मेरे पीछे पीछे काफी सारी मधुमक्खियां चल रही हैं एंड काफी अच्छा लगता है यार रिएक्शंस देख के एंड काफी प्यारा सा हब है, सो साउंड भी काफी अच्छा है, पता है आपको साउंड कितना पसंद आता है हम लोग को। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करना भी नहीं भूलना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, राइड हार्ड एंड राइड सेफ।